उसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की ओर। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर कंटेंट, ठीक है, जिसको हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। वाटर कंटेंट क्या होता है? ये एक रेशियो होता है किसका, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड का, ठीक है। जो वाटर कंटेंट का जो रेंज होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन इंफाइनाइट, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो वाटर कंटेंट है वो इक्वल टू जीरो क्यों हो रहा है, उसका रीजन क्या है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं फॉर्मूले से, वेट वाटर कंटेंट जो होता है वो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड के इक्वल होता है। तो वाटर कंटेंट जीरो कब होगा, जब हमारा जो वेट ऑफ वाटर है वो जीरो होगा तब वाटर कंटेंट जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो फिर वेट ऑफ वाटर जब जीरो होगा तो हमारा वाटर कंटेंट जो होगा वो जीरो होगा। अब वेट ऑफ वाटर जीरो कब होता है, ड्राई सॉइल के केस में होता है हमारा जीरो, क्योंकि ड्राई सॉइल रहता है तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, एयर और सॉलिड, ठीक है, मतलब वाटर प्रेजेंट नहीं है तो उसका वॉल्यूम भी जीरो है, उसका वेट भी जीरो है। तो वेट ऑफ वाटर जब जीरो कब होगा हमारा, जब ड्राई सॉइल होगा। सिमिलरली हम देखेंगे तो वाटर कंटेंट जो है वो इनफाइनाइट के इक्वल क्यों नहीं हो रहा है। आप ही सोचिए कि ये जो वाटर कंटेंट है वो इनफाइनाइट के इक्वल कब होगा। वाटर कंटेंट इज इक्वल टू क्या है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड है, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट कब होगा, ये इनफाइनाइट कब होता है, जब ये वन अपॉन जीरो होगा, जब ये जीरो होगा तभी ये इनफाइनाइट होता है, वन अपॉन जीरो। तो वेट ऑफ सॉलिड कब जीरो होगा, जब वेट ऑफ सॉलिड जीरो होगा तभी तो ये इनफाइनाइट होगा ना, वन अपॉन जीरो इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो वेट ऑफ सॉलिड जीरो कब होगा, वेट ऑफ सॉलिड का कभी जीरो हो सकता है, कोई भी सॉलिड है तो उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा ही, तो इसलिए वेट ऑफ सॉलिड तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा वो जो वाटर कंटेंट है वो कभी भी इन्फाइनाइट के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो वाटर कंटेंट होता है उसका रेंज होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट के इक्वल नहीं रहता है हमारा। और इक्वल टू जीरो किस केस में होता है, ये ड्राई सॉइल के केस में होता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं वॉइड रेशियो, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। और ये किसका रेशियो होता है, वॉइड रेशियो किसका रेशियो होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, जिसको हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड को वी वी से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को वी एस से, ठीक है। जो हमारा वॉइड रेशियो होता है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है जीरो के इक्वल, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो वॉइड रेशियो है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो ये वॉइड रेशियो जब कब इक्वल टू जीरो होगा, आप ये सोचिए वॉइड रेशियो कब इक्वल टू जीरो होगा, जब ये ऊपर वाला टर्म जीरो होगा, ठीक है, जीरो अपॉन समथिंग जीरो, ठीक है। तो वॉइड रेशियो कब जीरो होगा, जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो होगा। क्या सॉइल में कभी वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो है इसका मतलब क्या है, सॉइल में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। किसी भी चीज में सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा, ना कि सॉइल कहलाएगा। अगर सॉइल है तो वॉइड होंगे, ठीक है, अगर वॉइड नहीं है मतलब वो सॉलिड नहीं है। तो हमें पता चलता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी जीरो नहीं हो सकता, मतलब कि वॉइड रेशियो हमारा कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, वॉइड रेशियो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा और इसका कोई भी अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें एक रिलेशन देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के इक्वल होता है, ठीक है। और यहां से हम देखते हैं कि इसको हम और कैसे मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड को ई इंटू वी एस लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू ई प्लस वन, वी एस कॉमन चल जाएगा, तो v इज इक्वल टू ई प्लस वी अपॉन ई प्लस वन इज इक्वल टू वी एस, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बीच का। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की ओर, जिसका नाम है पोरोसिटी। ये किसका रेशियो होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। पोरोसिटी का जो रेंज होता है वो 0 से 1 के बीच का होता है, ठीक है, और ये कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा और ना ही इक्वल टू वन होगा, ठीक है। ये क्यों इक्वल टू जीरो नहीं होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि पोरोसिटी जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है। तो पोरोसिटी जीरो कब होगा, जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा जीरो होगा तब पोरोसिटी जीरो होगा।
तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि सॉइल है तो वॉइड तो होगा ही, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड सॉइल में कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए हमारा पोरोसिटी जो है कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, और ये वन से भी कम होगा। क्यों? क्यों क्यों क्यों? आप ही देखिए कि पोरोसिटी वन के इक्वल कब हो जाएगा, पोरोसिटी वन कब होगा, जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो इक्वल होगा टोटल वॉल्यूम के। ठीक है, जो पोरोसिटी वन कब होगा, जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है टोटल वॉल्यूम के इक्वल है, मतलब कि जो टोटल वॉल्यूम है वो हमारा तो पूरा वॉइड के इक्वल हो गया है ना, मतलब कि जो टोटल वॉल्यूम है सॉलिड का वो भी वॉइड के इक्वल है, मतलब कि सॉलिड तो है ही नहीं इसमें, सिर्फ वॉइड वॉइड ही वॉइड है, तो वो सॉइल कहाँ हुआ, वो तो एयर हो गया, तो ये केस भी हमारा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, इसीलिए ये हमेशा जो है वो जीरो से वन के बीच में होगा, किसी ना ही जीरो के इक्वल होगा ना ही वन के इक्वल होगा। ये जो पोरोसिटी है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हम लोग हैं पोरोसिटी से रिलेटेड डिफरेंट रिलेशन डिराइव करेंगे, जैसे कि हम लोग पोरोसिटी इज इक्वल टू जानते हैं क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है। हम लोग टोटल वॉल्यूम को कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो फिर हम लोगों को क्या रिलेशन मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम लोग वॉइड रेशियो मतलब ई लिख सकते हैं, यहां भी ये वन हो जाएगा और ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये हो जाएगा। ठीक है, ई, तो हम लोग को एक नया रिलेशन मिला, क्या मिला, ई अपॉन वन प्लस ई। ठीक है, ये एक रिलेशन हुआ पोरोसिटी के, पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में। ठीक है, इस रिलेशन को और एक्सटेंड करेंगे और दूसरे टाइप से कैसे लिख सकते हैं, वन से दोनों तरफ अगर हम माइनस करेंगे, माइनस ईटा इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस ई, यहां भी वन से माइनस करेंगे हम लोग। ठीक है, दोनों साइड अगर हम वन से माइनस करते हैं तो फिर हम लोग को क्या मिलता है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, वन माइनस ईटा इज इक्वल टू वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई, तो फिर ये क्या रिलेशन हमको मिलता है, तो एक न्यू रिलेशन मिलता है पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में, जो है वन माइनस ईटा इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस ई। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों ही आप याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक चीज और है इम्पॉर्टेंट, कि जो हमारा वॉइड रेशियो है, वॉइड रेशियो मतलब कि ई, और हमारा जो पोरोसिटी है ईटा, इन दोनों में कौन ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो फिर ये कैसे पता करेंगे, जैसे मैं बताती हूँ, ये ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है, और हमारा जो वॉइड रेशियो है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो फिर हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड है हम लोग का, ये जो टोटल वॉल्यूम है, सॉरी, ये हम लोग का जो टोटल वॉल्यूम है इस पे डिपेंड करता है हमारा ईटा, और जो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उस पे डिपेंड करता है हमारा वॉइड रेशियो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग का जो ये टोटल वॉल्यूम है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉटर। ठीक है, तो जो हमारा जो पोरोसिटी है वो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है, लेकिन जो हमारा जो ये वॉइड रेशियो है ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता है। तो हम टेम्परेचर अगर चेंज करेंगे तो हमारा जो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो वेरी करेगा। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर या फिर वॉल्यूम ऑफ एयर वेरी करेगा, जिसका मतलब है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है वो वेरी करेगा, लेकिन इसमें जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पर डिपेंड कर रहा है जो है हमारा वॉइड रेशियो, तो हम लोग हमारे टेम्परेचर चेंज के साथ वॉइड रेशियो चेंज नहीं होगा, तो ये इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर चेंज के। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो ज्यादा एक्यूरेट किसको हम लोग लेके चलते हैं, वॉइड रेशियो जो है हमारा ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, मैं ये जो चैप्टर है वो खत्म होगा तो मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, अभी आप समझने में बस ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कौन सा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फोर, इसका नाम क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन।
डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, ये भी एक टाइप का रेशियो होता है। ये किसका रेशियो होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ, ये किसका रेशियो होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या बताता है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो हमारा वॉइड है, वॉइड के लिए जो वॉल्यूम है उसमें कितना वाटर प्रेजेंट है, वो हमारा क्या दिखाएगा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिखाएगा। जो कितना परसेंट वाटर प्रेजेंट है हमारे वॉइड में, वो हमको डिग्री ऑफ सेचुरेशन बताता है। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन का, वो क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन और इक्वल टू वन। ठीक है, जो हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन है वो जीरो के इक्वल भी हो सकता है, वन के भी इक्वल हो सकता है। तो हम देखते हैं कि किस कंडीशन में ये जीरो के इक्वल होगा और किस में ये वन के इक्वल होगा। डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल टू जीरो, ये किस केस में होगा, आप ही सोचिए, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कब जीरो होगा, जब हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कब जीरो होगा, इन केस ऑफ ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल रहेगा तभी तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड में सिर्फ और सिर्फ एयर होंगे, ठीक है, वाटर होगा ही नहीं। ठीक है, पूरी तरह एयर होंगे तो जो सॉइल होगा वो ड्राई होगा। ठीक है, तो ड्राई सॉइल के केस में हम लोग का डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो रहता है वो जीरो होता है। सेकेंड होता है हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन वन कब होता है, ठीक है, ये किस में होता है, फुली सेचुरेटेड सॉइल में हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन वन होता है। कैसे वन होगा, जब वॉल्यूम ऑफ वाटर जो रहेगा वो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा, तो फिर ये एस का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड के इक्वल कब होगा, जब वॉइड में बस वाटर भरा होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो जब जो वॉइड है उस जो वॉइड है उसमें सिर्फ और सिर्फ एयर भरा, वो वाटर भरा होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कित क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल कब होगा, जब हमारे वॉइड में सिर्फ और सिर्फ वाटर भरा होगा और वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो होगा, और वो जो केस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुली सेचुरेटेड सॉइल। और हमारा जो थर्ड केस है वो क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। ये किस केस में होता है, जब हमारा जो सॉइल होता है वो क्या होता है, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल होता है। जब हमारा जो सॉइल होगा वो पार्शियली सेचुरेटेड होगा, मतलब कि उसमें एयर भी होंगे और वाटर भी होंगे वॉइड में, तो हमारा जो सॉइल होगा वो पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल होगा। ठीक है दोस्त, इसके बाद हम देखते हैं ये जो है, एक बात और, ये जो है ड्राई सॉइल, डिग्री ऑफ सेचुरेशन जीरो है। ठीक है, ये किस में होता है, ड्राई सॉइल में होता है। और ये कौन सा फॉर्म करता है, कौन सा फेज में हम लोग इसको पढ़ते हैं, फेज टू में पढ़ते हैं। ठीक है, फेज टू, क्योंकि हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारा दो चीज इन्वॉल्व है, एक सॉलिड होगा और दूसरा एयर होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको फेज टू में रिप्रेजेंट करते हैं। फुली सेचुरेटेड में भी हम लोग इसको फेज टू में रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें सॉलिड होगा और वाटर होगा, लेकिन पार्शियली सेचुरेटेड है तो इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, फेज थ्री में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, सॉलिड भी होगा, वाटर भी होगा और एयर भी होगा। ठीक है, तीनों चीज होगा, इसलिए हम लोग इसको फेज थ्री में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पांचवा प्रॉपर्टी, वो है एयर कंटेंट, जिसको हम लोग एसी से रिप्रेजेंट करते हैं। एसी क्या हो जाता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, मतलब कि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जो हमारा वॉइड है उसमें कितना परसेंटेज जो है वो एयर का है, वो हमारा एयर कंटेंट बताता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन में देखे थे कि हमारे जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, ये ऐसे हमारा जो हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड है उसमें कितना परसेंट वाटर का है, मतलब कितना वॉल्यूम वाटर का है, उसका रेशियो हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन बता रहा था, मतलब कि कितना परसेंट वाटर का है ये बताता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन हमारे वॉइड में। और एयर कंटेंट क्या बताता है, कि जो हमारे वॉइड में उसमें कितना परसेंट एयर है वो हमारा जो बताता है वो है एयर कंटेंट। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा जो एयर कंटेंट रहता है उसका वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन और इक्वल टू वन। ठीक है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो सकता है। ये जीरो क्यों होगा, क्योंकि जब वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो जाएगा तो हमारा एयर कंटेंट जीरो हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कब जीरो होगा,
एयर कंटेंट जो है जीरो हो जाएगा। ये किस केस में होगा? हमारा जब जो सॉइल है वो फुली सैचुरेटेड की होगा, ठीक है। फुली सैचुरेटेड होगा मतलब कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड रहेगा उसमें पूरा वाटर भरा रहेगा, तो हमारा जो एयर कंटेंट है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो हो जा रहा है फुली सैचुरेटेड सॉइल में। और जो हमारा एयर कंटेंट जो रहेगा वो वन कब होगा? ड्राई सॉइल में, ठीक है। ड्राई ड्राई सॉइल में कैसे होगा? क्योंकि ये एयर कंटेंट वन कब होगा? जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो रहेगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल है, मतलब कि वॉइड में पूरी तरह से एयर सिर्फ भरा हुआ है, हमारा वाटर है ही नहीं। इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जीरो है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ वॉइड में एयर भरा हुआ है। तो और ये तो फिर किस टाइप का सॉइल हो जाएगा? ये ड्राई सॉइल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम देखते हैं और थर्ड ये भी है कि एयर कंटेंट जीरो से वन के बीच में रहेगा। जीरो से वन के बीच में कब रहेगा? जब ये क्या होगा, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल रहेगा, पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल रहेगा, तब हमारा जो रहेगा ये जीरो से वन के बीच में रहेगा एयर कंटेंट। सिमिलर है दोनों में ही, एयर कंटेंट और ये दोनों ही सिमिलर है। इसके बाद हम देखते हैं रिलेशन एयर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन के बीच का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो एयर कंटेंट हमारा क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है। और डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। तो ए सी प्लस एस करते हैं तो हमारा क्या देता है? वन। कैसे? ए सी, ए सी की जगह हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू क्या देगा, ये निकालेंगे। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड। और वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या देता है हमारा? ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या देगा? वन देगा। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ए सी प्लस एस इज इक्वल टू वन होगा, ठीक है। ये ए सी और एस के बीच का रिलेशन होता है। उसके बाद हम देखते हैं सिक्स प्रॉपर्टी जो हमारा होता है, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एनए से। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स क्या होता है? ये भी रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ एयर का विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम लोग जो पहले पढ़े थे एयर कंटेंट, एयर कंटेंट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉइड में कितना वॉल्यूम है एयर का, ठीक है। उस मतलब कि कितने वॉइड में कितना परसेंट जो है एयर का है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एयर कंटेंट। लेकिन एनए जो है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड जो रहेगा वो टोटल वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम एयर का है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनए, ठीक है। टोटल वॉल्यूम में कितना परसेंट हमारा जो एयर का है ये रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। और ये जो रहेगा ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड में कितना परसेंट एयर का है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिफरेंस है। तो हमारा जो है अभी हम क्या देख रहे हैं, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स हमारा ये होता है। अब इससे हम एक रिलेशन डिराइव करते हैं, अगर हम ऊपर नीचे वॉल्यूम ऑफ वॉइड से डिवाइड करते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये बस एक्सचेंज कर दिए है ये दोनों टर्म्स को। तो ये जो हमारा है ये हमारा क्या होता है? पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे एयर कंटेंट होता है। तो हम क्या देखते हैं, ये ईटा इंटू ए सी बना रहा है, मतलब एक और रिलेशन मिल गया, एन ए इज इक्वल टू ईटा इंटू ए सी, ठीक है दोस्तों। जिसमें कि जो एन ए है, एन ए हमारा क्या है? परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड से। और ईटा जो है हमारा क्या है? बोरोसिटी है। और ए सी जो है हमारा क्या है? एयर कंटेंट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, हाँ उसके बाद हम इसके रेंज को देखते हैं। परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड से इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बट लेस देन वन, ठीक है। इसका जो रेंज होता है ये, इसका जो रेंज होता है ये होता है। तो ये इक्वल टू जीरो क्यों होता है हम इस फॉर्मूले में देखते हैं। इक्वल टू जीरो कैसे होगा? एनए जब होगा वो इक्वल टू जीरो कैसे होगा? कब, किस केस में होगा एनए इक्वल टू जीरो? जब वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो होगा, ठीक है। तो फिर हमारा जो परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड से ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये कि वॉल्यूम ऑफ एयर कब जीरो होता है? जब फुली सैचुरेटेड हमारा जो सॉइल होगा।
तब हमारा जो रहेगा ये एन ए जीरो हो जाएगा। लेकिन एन ए जो है कभी भी इक्वल टू वन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एन ए इक्वल टू वन कब होगा? जब वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम के इक्वल हो जाए। ठीक है, टोटल वॉल्यूम के इक्वल जब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर, तो फिर तो इसका मतलब अगर टोटल वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल हो गया है, इसका मतलब है कि हर जगह एयर ही एयर है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम जो है सॉइल का वो पूरा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल है, मतलब कि पूरे जगह एयर ही भरा हुआ है। तो उसमें तो फिर वो तो सॉइल होगा ही नहीं, तो ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो फिर जो एन ए है वो इक्वल टू जीरो हो सकता है किस केस में? फुली सैचुरेटेड सॉइल के केस में। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, जो हमारा सेवेंथ प्रॉपर्टी है वो है यूनिट वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप का होता है। पहला होता है हमारा बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या होता है, जिसको हम लोग क्या गामा से डिनोट करते हैं? गामा इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो होता है, ये हमारा क्या होता है? बल्क यूनिट वेट होता है। और दूसरा क्या होता है हमारा, जो होता है ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ड्राई यूनिट वेट क्या होता है? ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, इसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? गामा डी से डिनोट करते हैं। और ड्राई यूनिट वेट जो होता है दोस्तों, इसमें हम लोग क्या लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेते हैं। जैसा कि देखते हैं कि ये ड्राई यूनिट वेट है, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ हमारा एयर प्रेजेंट होगा और सॉलिड प्रेजेंट होगा। तो वेट में हम एयर का तो ले नहीं सकते, क्योंकि उसका वेट हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड का वेट लेंगे, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ड्राई यूनिट वेट। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं, सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट ये क्या होता है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? गामा सैचुरेटेड से डिनोट करते हैं। और जो होता है हमारा गामा सैचुरेटेड क्या होता है, यहाँ पे वेट लेते हैं इसमें, सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल लेते हैं अपॉन टोटल वॉल्यूम रहता है। ठीक है दोस्तों, सैचुरेटेड वेट क्या हो जाएगा, जिसमें सिर्फ सॉलिड, सैचुरेटेड वेट क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब कि जो हमारा जो वॉइड है वो पूरी तरह वाटर से फिल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, फुली सैचुरेटेड सॉइल होगा, और जो उसका वेट होगा वो सैचुरेटेड होगा। ठीक है, सैचुरेटेड वेट। एक बात और, बल्क यूनिट वेट में जो वेट है ये हमारा जो है ये पार्शियली सैचुरेटेड वेट है। ठीक है, पार्शियली सैचुरेटेड वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, इसमें हमारा एयर और वाटर दोनों है वॉइड में, इसीलिए इसका जो वेट है वो पार्शियली सैचुरेटेड वेट है। और ड्राई यूनिट वेट है, तो इसमें सिर्फ सॉलिड का ले रहे हैं, क्योंकि इसमें सॉलिड और एयर है, लेकिन एयर का वेट तो नेग्लेक्ट करते हैं, जिसमें सॉलिड बस लेंगे। और सैचुरेटेड वेट है, तो इसमें क्या है, वाटर और सॉलिड है, तो वाटर और सॉलिड का इसमें ले रहे हैं वेट, तो सैचुरेटेड वेट ले। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, सबमर्ज्ड यूनिट वेट ऑफ सॉइल। सबमर्ज यूनिट वेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? गामा सबमर्ज्ड से। ठीक है, ये किस पे बेसिस हो, इसको कैसे हम लोग पता करते हैं? गामा सबमर्ज्ड कैसे निकालते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल से निकालते हैं। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू अप थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, इसको मैं कैसा समझेंगे कि जैसे हम लोग कोई भी बॉडी को, ठीक है, जब वाटर में सबमर्ज्ड करते हैं, तो वो जितना भी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, उसका जो वेट होगा, ठीक है, जब किसी भी बॉडी को हम लोग वाटर में सबमर्ज्ड करेंगे, तो जितना भी वाटर वो डिस्प्लेस करेगा उसका जो वेट होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, जो अपथ्रस्ट फोर्स उस बॉडी पे लगेगा वाटर के द्वारा। ठीक है, वाटर के द्वारा, तो ये जो है हमारा अपथ्रस्ट फोर्स है जो वाटर लगाएगा इस बॉडी पे। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझिए, जब हम लोग किसी भी बॉडी को वाटर में डिस्प्लेस करेंगे, तो जितना वेट ऑफ वाटर होगा, ठीक है, जितना भी डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ वाटर होगा वो किसके इक्वल होगा, जो वाटर जो है वो इस बॉडी पे जितना फोर्स लगा रहा है उसके इक्वल होगा। ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बॉडी की जगह हम लोग सॉइल को लेते हैं, सॉइल को हम लोग सबमर्ज्ड करते हैं वाटर में, तो ये जितना भी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा उसी मैग्नीट्यूड के इक्वल में इसमें अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा, जो ये
वाटर है आसपास का, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं कि वाटर जो है इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, गामा डब्ल्यू इंटू वी, ठीक है, इतना फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स का है, और जो हम लोग जानते हैं कि वेट और फोर्स का यूनिट सेम ही होता है, तो फिर ये इतना हम लोग का ये फोर्स लग रहा है, और ये वी क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, सॉइल है, और इसका जो वेट है ये हमारा क्या है, सॉइल है, ठीक है। इसका जो वेट हम लोग क्या लेंगे, डब्ल्यू सेचूरेटेड लेंगे। डब्ल्यू सेचूरेटेड क्यों ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग जैसे कि जानते हैं कि ये जो सॉइल है ये वाटर में पूरी तरह सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सॉलिड होगा और वॉइड होगा, और वॉइड जो है वाटर में सबमर्ज्ड है, तो इसमें तो एयर तो होगा नहीं, एयर का जगह पूरा कौन ले लिया होगा, वाटर ले लिया होगा। तो जो हमारा जो टोटल वेट ऑफ सॉलिड होगा वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ सॉइल, वो वेट सॉरी जो हमारा जो टोटल वेट ऑफ सॉइल होगा वो किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ सॉलिड जो कि सॉइल में प्रेजेंट होगा, प्लस वेट ऑफ जो हमारा क्या रहेगा, वाटर के इक्वल होगा। और इसी इसी वेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डब्ल्यू सेचूरेटेड बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि इसमें वाटर का वेट रहेगा और सॉलिड का वेट रहेगा, ठीक है। तो ये वेट सेचूरेटेड वेट रहेगा और ये अपथ्रस्ट फोर्स रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सबमर्ज्ड वेट रहेगा, डब्ल्यू सबमर्ज्ड रहता है, वो क्या होता है कि डब्ल्यू सेचूरेटेड, ये डाउनवर्ड फोर्स, और ये ऊपर जो लग रहा है, तो ये डाउनवर्ड लग रहा है तो हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, और ये ऊपर लग रहा है तो इसको नेगेटिव ले रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो गामा डब्ल्यू इंटू वी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा जो है वो सबमर्ज्ड वेट आ गया, ये भी वेट है, ये भी वेट है, और ये गामा डब्ल्यू वी ये है अपथ्रस्ट फोर्स लगा रहा है, जो है वाटर लगा रहा है इस सॉइल में, ठीक है। तो फोर्स और वेट हमारा सेम यूनिट रहता है, सेम यूनिट रहता है हमारा जो फोर्स है और वेट का रहता है, किलो न्यूटन ही रहता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद अगर हम इसको वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं सारे टर्म को, तो हम लोग को क्या मिलता है देखते हैं, ये गामा डब्ल्यू वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, ठीक है। तो गामा ये वेट, सबमर्ज्ड वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल हमारा क्या होता है, गामा सबमर्ज्ड होता है, हम पहले भी देख चुके हैं। अच्छा ये मैंने नहीं बताया था, गामा सबमर्ज्ड जो होता है वो क्या होता है, गामा सबमर्ज्ड क्या होगा, वेट सबमर्ज्ड वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गामा सबमर्ज्ड बोलेंगे, सबमर्ज्ड यूनिट वेट बोलेंगे। वैसे ही सैचुरेटेड वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा, गामा सैचुरेटेड होगा, ठीक है, माइनस ये गामा डब्ल्यू, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अब हमारा जो आखिरी यूनिट वेट है वो क्या है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड देखते हैं, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, गामा एस से, ठीक है। और हमारा जो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड रहता है वो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो होता है वो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड रहता है, ठीक है दोस्तों। इसमें हम बाकी जितने भी यूनिट वेट हैं उसमें हम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल ले रहे थे, ठीक है, और इस वाले में हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लेंगे, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड लेंगे, इसको विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में करते हैं, और बाकी जितने भी यूनिट वेट है सब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल के रिस्पेक्ट में करते हैं, और यूनिट वेट ऑफ सॉलिड है इसलिए वेट ऑफ सॉलिड हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे कि कौन किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है गामा हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड जो रहता है वो सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद होता है हमारा गामा सेचूरेटेड होता है, उसके बाद हमारा होता है गामा बल्क, उसके बाद होता है गामा ड्राई, और उसके बाद होता है हमारा गामा सबमर्ज्ड होता है, ठीक है। ये कैसे होता है इसके लिए आप थोड़ा याद रखने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, गामा सॉलिड क्या होता है कि इसमें सॉलिड प्रेजेंट है तो ऑब्वियस है कि इसका वेट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड प्रेजेंट है इसमें, तो इसमें हम लोग ऊपर नीचे सॉलिड ले रहे हैं तो इसका वेट ज्यादा होगा। उसके बाद क्या है, गामा सेचूरेटेड है, ठीक है, तो सेचूरेटेड है तो जैसे जैसे, और यहाँ पे गामा बल्क है तो इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं कि इसमें वाटर प्रेजेंट है तो वाटर का भी वेट इसमें इंक्लूड हो जा रहा है तो इसका वेट ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है, और ये एयर का है तो ये तो इससे कम ही होगा, और ये गामा सबमर्ज्ड है तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम लोग देख रहे हैं कि ये माइनस हो जा रहा है, ठीक है, सेचूरेटेड में से हम लोग माइनस कर दे रहे हैं तो फिर इसके लिए इसका सबसे कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। इस सीक्वेंस को आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हमारा एर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल,
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। ये हमारा पहला जो होगा, पहला जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम डिस्कस करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर हम लोग उसको एक और बोल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ठीक है। इतने सारे नाम हैं। हम लोग जो सबसे पहले अभी देख रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी में, हम लोग पहले देखेंगे ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, या फिर उसी को एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल भी हम लोग इसको बोल देते हैं। तो हम देखते हैं कि ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल को कैसे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, ठीक है। गामा एस क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट वेट ऑफ सॉलिड हो जाता है, और गामा डब्ल्यू क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। एक बात और दोस्तों मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें भी जो हम देख रहे थे पहले ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, यहाँ भी गामा डब्ल्यू आ रहा था, आपको डाउट हुआ होगा। गामा डब्ल्यू क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये यूनिट वेट ऑफ वाटर है। इसका वैल्यू जो रहता है हमेशा कितना होता है, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है हमारा, ठीक है। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखिए आप कि डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये यूनिट वेट ऑफ वाटर है और ये जो है डेंसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर अगर हम ग्राम में देखें तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 ग्राम पर सीसी भी बोल सकते हैं इसको। और ये यूनिट वेट और डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, गामा इज इक्वल टू रो जी, ठीक है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं गामा डब्ल्यू अगर आप निकालेंगे, ठीक है, तो फिर हमारा रो क्या है, 1000 है, और जी का वैल्यू कितना है, 9.81। तो हम इसमें देखते हैं कि गामा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 1000 × 9.81, तो ये कितना देगा, 9810 क्या हो जाएगा ये, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसको किलो न्यूटन में हम कैसे लिख सकते हैं, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और यहां से भी हम देखेंगे कि यही चीज हमने लिखा है, गामा डब्ल्यू इज इक्वल टू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। यूनिट वेट ऑफ सॉलिड को क्या लिख सकते हैं हम, तो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा, ठीक है। और यूनिट वेट ऑफ वाटर को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अगर हम एक कंडीशन लेते हैं कि जो वेट ऑफ सॉलिड है अगर वेट ऑफ वाटर के इक्वल है, ठीक है, ये अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो जी है हम लोग, हमारा क्या होगा, ये दोनों फिर कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर। ये कैसे आया है, ये केस हमने अज्यूम किया है, ठीक है, अज्यूम करते हैं तो हमारा ये आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, और हाँ एक चीज और दोस्तों, ये जो जी है, जी क्या है, नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि देखो आप यहाँ पे गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू है, तो दोनों गामा गामा है तो दोनों कट जाएगा, तो ये जी है हमारा यूनिट लेस हो जाएगा। उसके बाद हम सेकंड टाइप का स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं, वो क्या है, बल्क मास या फिर अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, बल्क या फिर मास या फिर अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जीएम से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जीएम जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, गामा अपॉन गामा डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम देख रहे थे ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी वो क्या था, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू था, इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, गामा ऑफ सॉलिड ले रहे थे, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू वाटर ले रहे थे, और इसमें क्या लेते हैं कि ये जो है गामा अपॉन गामा डब्ल्यू है, ठीक है। ये ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी था और ये हमारा जो है अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। हम लोग इसको ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी इसलिए बोल रहे थे क्योंकि ये सॉलिड का यूनिट वेट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, ठीक है। सॉलिड का वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा फिक्स है, इसीलिए हम लोग इसको ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारा इसको अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम गामा ले रहे हैं, गामा हमारा कुछ भी हो सकता है, गामा जो है हमारा गामा डी भी हो सकता है, गामा एस भी हो सकता है, गामा सबमर्ज्ड भी हो सकता है, गामा सैचुरेटेड भी हो सकता है, हम कुछ भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है।
इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। और हम देखते हैं कि कौन सा बड़ा है, तो जी हमेशा बड़ा होता है जीएम से, क्योंकि हम लोग जी में क्या कंसिडर करते हैं, हम लोग यहाँ पे ये सॉलिड यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इसमें कंसिडर करते हैं, ये गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू होता है, तो इसलिए हम लोग यूनिट वेट ऑफ सॉलिड कंसिडर कर रहे हैं जी में, इसीलिए वो हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, क्यों बड़ा होता है, क्योंकि गामा एस जो रहता है हमेशा गामा से बड़ा रहता है, तो फिर हमारा जो जी है वो भी ज्यादा हो जाएगा ये जीएम से, क्योंकि इसमें हम लोग सॉलिड कंसिडर कर रहे हैं। और इसमें कोई भी है तो हम लोग तो रिलेशन भी देख चुके हैं कि गामा एस हमेशा गामा से बड़ा रहता है, तो जी भी बड़ा होगा जीएम से। ठीक है, और जो हमारा जी रहता है हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है, यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि ये जो जी होता है हमेशा स्टैंडर्ड कितने डिग्री सेल्सियस पे मेजर किया जाता है, स्टैंडर्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस पे मेजर किया जाता है, तो हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी 80 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, जी एट 27 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू एट 27 गामा डब्ल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एट टी डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई गामा डब्ल्यू एट टी डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, ये रिलेशन हम यूज करेंगे अगर हमको जी एट 27 डिग्री सेल्सियस पता है, क्योंकि स्टैंडर्ड होता है तो ऑब्वियस से पता है, तो अगर हमको टी डिग्री सेल्सियस पे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है तो हम 27 डिग्री से कंपेयर करके हम ऐसे निकाल देंगे। ठीक है,